गया शहर के चांद चौरा स्थित जेपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अस्पताल के पीछे वृक्षारोपण किया, साथ ही उसकी सुरक्षा हेतु शपथ भी ली। अस्पताल के निदेशक राकेश रंजन ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी अवसर पर भारत के सभी नागरिक को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आज जेपी अस्पताल की टीम ने वृक्षारोपण किया है। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि पर्यावरण दिवस पर पेड़ अवश्य लगाएं, लेकिन हर दिन पर्यावरण त्योहार समझकर खास ख्याल रखें जिससे वातावरण संतुलित रहे। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान ऑक्सीजन के लिए पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, इसका मुख्य कारण है वृक्ष की कटाई। ऐसा नहीं करें कि एक तरफ पेड़ लगाएं और दूसरी ओर पेड़ की कटाई करें, इसका खास ख्याल रखें। इस मौके पर अस्पताल की टीम में मेडिकल डायरेक्टर राजेश रंजन, मैनेजर रोहित रंजन, डॉक्टर ऋषभ सोनी, डॉक्टर चित्रंजन शर्मा, बीरबल कुमार, अनिल कुमार, सतीश यादव, सोनाली कुमारी, मुकेश कुमार और रंजीत कुमार आदि मौजूद थे। दिवस है आज के दिन, हम सारे भारतवासियों को, बिहार के वासियों को, गया के वासियों को वृक्ष को लगाना चाहिए, जिससे जो भी ऑक्सीजन का कमी हो रहा है वो पूर्ति हो सके। आज ऑक्सीजन का इतना प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से इतना महामारी फैला। अगर इतना वृक्षारोपण नहीं होता, अगर इतना पेड़ का पौधा का कटाई नहीं होता, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। आज इसका कमी बहुत ज़्यादा हुआ है। जंगल पेड़ पौधा क्या होता है हमारे इलाके में, इस एरिया में कहीं है ही नहीं। तो सबको ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। एक पेड़ लगाने के मतलब 10 पुत्र समान, ऐसा सब हमारे बुजुर्ग लोग बोले हैं, कह के गए हैं। तो इस महामारी के लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसा नेचुरल उपाय है जिससे ये बीमारी जा सकता है। अपना संस्थान का, डॉक्टर ऋषभ सोनी फ्रॉम जेपीएन, जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल नियर चांदचौरा।